हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको अगर लाइफ में हर रोज़ अपना एक इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको अपना जो भी, जैसे कल आपने लेट्स से कि 5 घंटे पढ़ाई करी, तो आज मतलब जब दूसरे दिन आप पढ़ाई करें तो उस 5 घंटे में सिर्फ 1 मिनट जोड़ दें, और आप देखेंगे कि आप ये जो प्रोसेस अगर इसे कंटिन्यूसली मतलब एक बार दो बार और हर दिन जब ये आप 21 दिन तक कर लेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 5 घंटे आप 21 दिन के बाद 5 घंटे 21 मिनट आप हर दिन पढ़ते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद आपके अंदर एक ये हैबिट सी बन जाएगी कि आप अपने आप को हर रोज़ इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर जब आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लगेगा ना, आपको अपनी पढ़ाई में एक कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आने लगेंगी, तो आप ये चीज़ें हर चीज़ में इम्प्लीमेंट करने लगोगे। लेट्स से कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अगर दौड़ते हैं, कहीं पे रनिंग करने जाते हैं मॉर्निंग में, वहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कल आपने किसी से थोड़ा सा रूडली बात कर ली और आज उससे आपने थोड़ा सा अच्छे से बात करी, तो ये चीज़ बोली जा रही है इस मोटिवेशनल कोट में कि पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ डिफरेंट टुमारो। मतलब हर रोज़ आपको अगर एक अपने आप को न्यू यू चाहिए, मतलब न्यू यू थोड़ा सा सुनने में ऑड लगेगा आपको, लेकिन न्यू यू अगर आपको एक निकाल के लाना है अपना, तो आपको हर रोज़ एक अपने आप में एक पुश देना होगा, एक इम्प्रूवमेंट लाना होगा, तो आपको अपना एक नया यू नज़र आएगा। तो दोस्तों, यही था आज का मोटिवेशनल कोट। थोड़ा सा इनोवेटिव वे में मैंने समझाने की कोशिश करी, आई होप यू लाइक दिस। उसके बाद अब दे देता हूँ आपको कोरोना अपडेट। वर्ल्ड के अंदर आप टोटल केसेस देखेंगे तो लगभग 2,43,15,055 के जो टोटल पेशेंट्स अब तक निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 1,68,41,750 लोग पूरी तरीके से रिकवर कर गए हैं, और जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं अब तक कोरोना वायरस की वजह से, वो है टोटल 8,28,721। फिर आप देखेंगे अगर टॉप के वर्ल्ड में जो टॉप कंट्रीज़ हैं जो कि कोरोना के जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस है, वो हैं टॉप पे यूएसए। लगभग आप देखेंगे 60 लाख केसेस अब यूएसए में टोटल निकल के आ चुके हैं। उसके बाद है ब्राज़ील 37 लाख केसेस के साथ में, इंडिया 33 लाख केसेस के साथ में, चौथे पर रशिया लगभग 9,70,000, और साउथ अफ्रीका फिर 6,15,000। दोस्तों, जिस रफ्तार में इंडिया में आप देख रहे हैं केसेस पर डे निकल के आ रहे हैं, लगभग 75,000 तक ये जो आंकड़ा पहुंच रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में खतरे की घंटी। आप यहाँ पे देखिए, इन सभी नंबर्स में एक्सक्लूडिंग इंडिया, सभी के नंबर इंडिया से कम नज़र आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितने ज़्यादा तेज़ी से कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर आप टोटल पेशेंट्स की बात करें तो लगभग 33,07,750 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 60,629 लोग कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो 25,23,443 लोग कोरोना से अब तक पूरी तरीके रिकवर कर चुके हैं, तो यही एक पॉजिटिव खबर है कोरोना के लिए, कोरोना से रिलेटेड। तो ये था आज का टोटल कोरोना अपडेट। चलता हूँ अगले एडिटोरियल की तरफ, की लेक्चर इंडेक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूंगा आज। सबसे पहले है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट एक इंडिया की जो सैटेलाइट है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेस में कुछ काम किया है, उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद डीएनए बिल, यहाँ पे डीएनए बिल में कैसे बताया जाएगा कि क्या कुछ इम्पैक्ट्स पड़ेंगे डीएनए का, जब आप डीएनए को रेगुलेट करेंगे, डीएनए डेटा जो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब जो जस्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करता हुआ जो नज़र आ रहा है इगैलिटेरियन सोसाइटी और जो हायरार्कियल सोसाइटी है उसके बीच में, वो बात करी जा रही है। जेंडर पैरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे बात करी जा रही है कि वुमेन और जो दूसरे जो मेन है उनके बीच में काम करने का जो एक डिफरेंस है, उस पर बात की जा रही है। कैसे वुमेन की जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा जाने की वजह से एक जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नज़र आ रहा है। फिर यहाँ बात की जा रही है साउथ एशिया पॉलिसी। साउथ एशिया पॉलिसी में पूरे क्या चल रहा है, उसमें क्या कैसे इंडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है, बेसिकली आप देखेंगे ये इंडिया का जो इसमें फोकस दे के चला गया है कि कैसे इंडिया साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली आप बोलेंगे कि जो पीरियड्स बोलते हैं महिलाओं के, जो पीरियड्स आते हैं उसकी, वो अगर वो जब आए महीने में तो अब उनको छुट्टी देने की वकालत जो करी जा रही है, उसके बारे में ये टॉपिक होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोसैट के बारे में। दोस्तों, एस्ट्रोसैट जो है इंडिया की पहली
जो है मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसमें अभी आप देखेंगे तो एस्ट्रोसैट ने अभी डिटेक्ट की है एक एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट जो कि गैलेक्सी में देखी गई है, जिसका नाम रखा गया है AUDFS01। तो आप इस बारे में बिल्कुल अच्छे से आइडिया रखिएगा कि AUDFS01 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये एक एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट से रिलेटेड है जो कि अर्थ से 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। तो आप सबसे अगर पहले देखेंगे अल्ट्रावायलेट लाइट बेसिकली जो सन है हमारा, सन से अल्ट्रावायलेट लाइट जो रिलीज़ होती है, वो जो निकलती है, वो रेज जो होती हैं, वो हमारे जब अर्थ पे बेसिकली जब अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो हमारा जो एटमॉस्फियर होता है, जो हमारी ओजोन लेयर है, कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत हद तक, और उसके बाद बहुत ही कम अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पे आ पाती हैं, जिसकी वजह से जो स्किन कैंसर आपको कई बार देखने को मिलता है लोगों को जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, जो ज़्यादा लोग बीचेस पे रहते हैं उनके ऊपर आपको इसके मतलब कुप्रभाव देखने को मिलेंगे। तो अल्ट्रावायलेट के बारे में आप इतना आइडिया रखिएगा। फिर उसके बाद जो एस्ट्रोसैट है, इंडिया की पहली वेवलेंथ सैटेलाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो 5 यूनिक एक्सरे और अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं जो कि काम करते हैं एक साथ मिलकर। आफ्टर एनालाइजिंग जो इसमें डेटा जो एनालाइज किया गया, इसमें देखा गया था एमिशन वॉज असर्टेड टू बी फ्रॉम द गैलेक्सी, मतलब ये जो वेवलेंथ जो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ जो थी, इसमें आप देखेंगे ये जो किसी सर्टेन गैलेक्सी से आ रही है, अब किस गैलेक्सी से आ रही है ये अभी डिफाइन नहीं किया गया है, ये नहीं पता लगाया जा सका है। इसमें आप देखेंगे यूवी रेडिएशन जो है अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है एटमॉस्फेयर, मैंने आपको बताया। एस्ट्रोसैट जो है ये इट वाज एबल टू अचीव दिस बिकॉज द बैकग्राउंड नॉइज इन UVIT डिटेक्टर इज मच लेस देन द वंस ऑन हब्बल स्पेस, मतलब हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो नहीं इसे डिटेक्ट कर पाई, और इंडिया की सैटेलाइट ने इसे जो टेलीस्कोप है उसने डिटेक्ट कर लिया। उसका कारण यही है कि ये जो है इसके जो एस्ट्रोसैट जहाँ पे इंस्टॉल्ड है वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, UVIT डिटेक्टर है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो अल्ट्रावायलेट और ये सब जो दूसरी रेडिएशंस होती हैं इसको कैच करने की एक जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोसैट के बारे में, आप आइडिया रखिएगा कि क्या है ये। सबसे पहले तो इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ये। उसके बाद इसने कौन सी लाइट डिटेक्ट करी है, तो दैट इज़ अल्ट्रावायलेट AUDFS01। तो ये आप इस बारे में आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है DNA बिल के बारे में। अभी हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने बोला है कि DNA बिल के जो प्रोविजंस हैं वो मिसयूज़ किए जा सकते हैं फॉर कास्ट कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग, मतलब अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई हिंदू है, लेट्स हिंदू में लेट्स से कि कोई जनरल कैटेगरी है, कोई SC कैटेगरी है, कोई ST कैटेगरी है, कोई OBC कैटेगरी है, कोई और दूसरी कैटेगरी में भी मतलब SC में भी है, तो उसके हिसाब से अगर आप डेटा को कलेक्ट करेंगे तो उसको बाद में मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपना जो डेटा है उनका कलेक्ट करके इससे लेट्स से कि कोई मतलब इनका ब्लड सैंपल, डिजीज़, शुगर, हेल्थ, सारा जो हार्ट वगैरह सारी जांचें लेके उसके बाद जब किसी को भी इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो ये अगर जान जाएगा कि ये मान लीजिए ये इस कास्ट का है या फिर ये इस पर्टिकुलर सोसाइटी से आता है या इसको ये सब बीमारियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं वो नहीं लेगा, वो अवॉइड करेगा कि यार चलो इनका नहीं लेते किसी और का लेते हैं। तो इस ये सब चीज़ें जो निकल के आ सकती हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा और दूसरे इश्यूज़ निकल के आ सकते हैं। DNA प्रोफाइल्स जो है ये बेसिकली रिवील करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, पेडिग्री से रिलेटेड, स्किन कलर से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, इलनेस, हेल्थ स्टेटस, ये सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करी जा सकती है। बिल ये एक्सेस देता है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको ईजिली जो है ये मिसयूज़ हो सकती है। इसमें जैसा अभी बताया गया स्पेसिफिकली टारगेट जो इंडिविजुअल्स के होते हैं, फैमिलीज़ ओन जेनेटिक डेटा, ये सब शेयर करा जा सकता है। जो DNA डेटा है इसको इट कैन इवन बी यूज्ड टू करेक्टली लिंक अ पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। एक पर्टिकुलर जो DNA डेटा के हिसाब से कि पर्टिकुलर ये जो ये कास्ट के लोग हैं यही लोग सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं और यही लोग सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से लिंक करके डेटा को मैनिपुलेट करके लोगों को बरगलाने की कोशिश, आपस में लड़ाने की कोशिश करी जा सकती है, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। इसमें आप देखेंगे इसके कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट्स DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के अगर आप देखेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे कोई खो गया, कोई बंदा नदी में तैर रहा था और वो मतलब डूब के मर गया और वो कहीं दूर पाया जाता है, उसको उसकी बॉडी मिलती है, तो उसके जो कपड़े हैं उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, मोबाइल नहीं मिलता, तो सिर्फ उसकी बॉडी मिलती है, तो वहाँ से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है
कि कैसे वो डीएनए उसका लेके जो भी मिसिंग रिपोर्ट है उसके साथ मैच करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो कौन है। ऑफेंडर के बारे में मतलब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए की हेल्प से अंडर ट्रायल्स जो होते हैं इन सब डिसीज्ड पर्सन को हेल्प मिल सकती है, जो एम्पावर करता है कि क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है इसे इसका जो एप्लीकेशन है डीएनए एविडेंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड रीजनल डेटा डीएनए डेटा बैंक्स, ये सबसे काफ़ी ज़्यादा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली हर चीज़ के दोस्तों कुछ प्रोज होते हैं कुछ कॉन्स होते हैं, तो अगर आप सिर्फ प्रोज के बारे में ज़्यादा सोचेंगे या फिर सिर्फ कॉन्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आएगी ज़रूर। इसलिए आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी होगी, कैसे चीज़ों को जो नेगेटिव है उनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ करके चलना है, यही सब चीज़ें बोली जा रही है। डीएनए रेगुलेशन बिल 2019 के बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये दोस्तों GS1 सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। अभी आप देखेंगे कि जो बेसिक आइडिया होता है जस्टिस का, इसमें ये है कि हर पर्सन को एक प्रॉपर जस्टिस मिले, प्रॉपर न्याय मिले, कि उसके जो भी उसने उस क्राइम में इन्वॉल्व है, जो लोग उनको जो कल्प्रिट हैं उनको जेल जाना हो, जो निर्दोष हैं उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो इनके आप देखेंगे ये सारी चीज़ें इतनी जितनी बोलना आसान है इतना होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो बेनिफिट्स और बर्डन्स जो सोसाइटी के हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनको तो न्याय मिल जाता है, उनके पास पैसा है, अच्छे वकील हायर कर सकते हैं, अच्छे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो एक गरीब इंसान है वो कहाँ से उसको न्याय मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाती, अच्छे वकील उसको उसकी बातें जो उसके पॉइंट्स हैं वो नहीं रख पाते, और फिर अल्टीमेटली दिखता है कि जो अमीर आदमी है उसे ही जस्टिस सही से मिल पाता है, जस्टिस उसके हिसाब से इनफैक्ट मिल पाता है। आप ये बोल सकते हैं जस्टिस इन सोसाइटी इज़ नेसेसिटी एज देर इज स्कैर्सिटी ऑफ सोर्सेज इन सोसाइटी, मतलब यही बात कि सोसाइटी में बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना सारा आप अगर कोई केस लड़ते हैं तो इतना सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, इतना ट्रांसपोर्ट, इतना आपको आना जाना कोर्ट में, तो इन सब चीज़ों से जस्टिस जो है बोला जा रहा है कि इम्पॉसिबल बन जाता है। इसलिए जस्टिस जो है ये तभी पॉसिबल है कि जब जो सोसाइटीज़ जो हैं उनमें मॉडरेट स्कैर्सिटी होगी, मतलब जो कमी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मॉडरेट होगी, मतलब एक बैलेंस्ड स्कैर्सिटी होगी। बहुत ज़्यादा अगर आप स्कैर्सिटी हो जाएगी तो लोग जस्टिस पे इतना ज़्यादा फिर जस्टिस के बारे में सोच भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही होती। अगर उनको बेसिक खाना पीना रहना नहीं होगा तो फिर वो जस्टिस के बारे में क्या ही सोचेंगे। यहाँ पे बात की जा रही टाइप्स ऑफ जस्टिस, सबसे पहले आप देखेंगे हायरार्कियल जस्टिस। हायरार्कियल सिस्टम में क्या होता है, इसमें कोई पर्सन व्हाट इज़ ड्यू टू अ पर्सन एस्टैब्लिश्ड बाय हर और हिज प्लेस विद इन अ हायरार्कियल सिस्टम, फॉर एग्जांपल अ बॉर्न प्रिविलेज। जैसे आपने देखा होगा अपर कास्ट के जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, जो सुविधा संपन्न लोग होते हैं, उनको ये सब जो आसानी से अच्छे वकील मिल जाते हैं, आसानी से सारे बेनिफिट्स, जो भी पेपर वर्क है, जो भी सारे जो लीगल अप्रोच है उनकी, वो सब ईजिली अवेलेबल हो जाती है, जिस वजह से उनको जस्टिस ईजिली मिल जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे गरीब लोगों को, तो वही सब मैंने अभी आपको ये सब बताया है कि उनके पास प्रॉपर वेल्थ नहीं है, प्रॉपर कल्चरल स्टेटस नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लो कास्ट जो है लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाता है। लेकिन जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, इसको जो जस्टिस बोला गया है कि जस्टिस हैज़ टू बी एक्सेस टू ऑल, मतलब एक्सेस ऑफ जस्टिस, सभी को न्याय मिलने का एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है। अभी आप देखेंगे जो थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो अर्ली टीचिंग जो बुद्धा की हैं और जो पैसेजेस हैं उसमें इंडियन एपिक्स में, भक्ति पोएट्री में, और जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं उसमें जैसे बोला जाता है सच एज वीरा शैविज्म, हर जगह इनकी बात की जाती है कि जस्टिस कैसे और क्यों लोगों को ज़रूरी तौर पर दिया जाए। ये एक चैलेंज है हायरार्कियल सिस्टम के लिए कि कैसे जो अपर कास्ट है उनको, उनके साथ साथ जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको भी प्रॉपर जस्टिस, उनको मॉरल वर्थ और डिग्निटी के हिसाब से दिया जाए। उसके बाद जो जस्टिस है, जस्टिस स्टिल इन्फेस्टेड विथ लाइव हायरार्कीज, पीपल मस्ट स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन एज इक्वल एंड बेसिक सोशल जस्टिस, मतलब सभी को बराबरी का अधिकार, बराबरी का कानून, बराबरी का संविधान सभी पे लागू होता है, सभी पर बराबर फंडामेंटल राइट्स लगती हैं, सभी पर बराबर DPSP, सभी पर बराबर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फिर सबके साथ अलग दायरे से अलग तरीके का जस्टिस, यही सब बोला जा रहा है। इसमें आप देखेंगे दिस इज़ फॉलोड बाय डिसीजन ऑन शेयरिंग ऑल सोशल बेनिफिट्स एंड बर्डन्स अमंग इक्वल पर्सन, सभी जो सोशल बेनिफिट्स हैं, फिर जो जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि जो गरीबों को खाना दिया जाता है, गरीबों को राशन दिया जाता है, सब कुछ सबको बराबर दिया जाता है, चाहे फिर वो एक थोड़ा सा BPL कार्ड वाला हो या फिर एक लाल कार्ड वाला हो, सभी को बराबर वो
राशन जो है वो किसी को, मतलब जो ज़्यादा गरीब है उसको ज़्यादा दिया जाता है, तो फिर उसको क्यों ज़्यादा दिया जाता है? वो इसीलिए ज़्यादा दिया जाता है जिससे कि आप देखेंगे कि जो ज़्यादा गरीब है उसको प्रॉपर जस्टिस मिल सके, क्योंकि प्रॉपर जब उसके पास सारी सुविधाएं संपन्न होंगी तभी तो वो सारी चीज़ें जस्टिस के लिए अफोर्ड कर पाएगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा एक डीपर कॉन्सेप्ट है कि कैसे लोगों सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी को किस लेवल पे सेग्रीगेट किया जा चुका है कि लोगों को, जो अमीर एक तबका है उसको तो सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हैं, लेकिन जो गरीब है, जो दरिद्र है, उसको चीज़ों को आसानी से वो अवेल नहीं कर पाता, उसको सिर्फ लिमिट कर दिया जाता है कि आपको बस खाने को मिल रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। तो इस यही बोला जा रहा है, इट इज़ दिस इज़ द एसेंस ऑफ इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? समान अधिकारवादी, इसमें जो ऑल इंडिविजुअल्स को चाहिए कि इनको मॉरल वर्थ और डिग्निटी के हिसाब से इनको इनको अपनी जो नेसेसिटीज़, अपनी ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल करने की एक प्रॉपर, एक मतलब आप बोल सकते हैं, क्या बोलूँ मैं, जैसे एक मतलब एक प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जिससे कि ये जनरल ह्यूमन बीइंग के तौर पर काम कर सकते हैं। एज आर बेसिक नीड्स आर आइडेंटिकल, जस्टिस को चाहिए कि वो फुलफिल, हर इंसान को जस्टिस मिले। बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन व्हाट पर्सन डिजर्व्स। तो यही सब बातें बोली जा रही हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टैलेंट, प्रोडक्टिव एफर्ट, इंडिविजुअल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, सभी को बराबरी से रिसोर्सेज अवेलेबल हों एज़ पर नीड। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करी जाएंगी, तो हमारा जो जस्टिस है वो कहीं ना कहीं, जब सभी लोगों को सुविधाएं, सभी को बराबरी से सुविधाएं मिलेंगी तभी वो कहीं ना कहीं जस्टिस के बारे में सोच पाएंगे और उन्हें जस्टिस मिल पाएगा। तो ये था पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में, आई होप यू लाइक दिस। जेंडर पैरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक फॉलोआउट मतलब जैसे जब से COVID-19 आया है सबसे ज़्यादा इससे सफ़र करने वाली हैं महिलाएँ। महिलाएँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन है, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल्स, और उनकी जो रिड्यूस्ड जो जेंडर इक्वालिटी है और डैमेज्ड इकोनॉमीज़ है, ये COVID-19 के सबसे बड़े जो ड्रॉबैक्स निकल के आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे, रिस्टोरिंग द प्रोग्रेस अटेंड ऑन जेंडर इक्वालिटी इज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इंडियाज़ रिकवरी फ्रॉम द पैंडमिक एंड फ्यूचर इकोनॉमिक सक्सेस। लेबर फोर्स की अगर आप देखेंगे तो जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, जो लेबर फोर्स है, वो लगभग 2/3 है मेन का। मतलब अगर 3 पुरुष काम कर रहे हैं तो उस पर सिर्फ 2 महिलाएं ही काम कर रही हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वुमेन सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करती हैं वर्कफोर्स का, और इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे अभी जो किया गया है इंडिया के अंदर वो दिखाता है कि वो महिलाएं जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा नौकरियां चली गई हैं, और लगभग 23% जो ओवरऑल जॉब लॉसेज हैं वो महिलाओं की हुई हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही जॉब गई है। कोरोना वायरस जो है उसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है। बर्डन ऑफ अनपेड केयर, अनपेड केयर मतलब बेसिकली जो महिलाएं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में नौकरी करती हैं उनको, जब वो काम नहीं करती तो उनको पैसा नहीं दिया जाता। पैंडेमिक के टाइम पे आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनकी नॉर्मल होती थी वो लगभग 30% से बढ़ गई हैं। वर्ल्ड वैल्यू सर्वेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के अंदर मेन को है, जो पुरुष हैं उनको बोला जाता है कि वो ग्रेटर राइट है उनको जॉब मिलने के लिए इन कंपेयर टू वुमेन। मतलब पुरुष को एक पैट्रियार्कियल जो सोसाइटी है, हमारे यहाँ जो पुरुष सत्ता है उसमें, उसके हिसाब से ये बोला जाता है कि जो हमारे देश में ज़्यादा जो काबिल हैं वो पुरुष है इन कंपेयर टू वुमेन। तो साउथ एशिया का ही ये पूरा हाल है। इनफैक्ट साउथ एशिया में पूरा ईरान आ जाए सॉरी पूरा पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद आप भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वियतनाम वगैरह ये सब आ जाती हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एंटरप्राइजेस दैट पॉलिसी दैट एम्प्लॉय वुमेन इज़ पुअर इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी ये बात बोलता है कि जो वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी एम्प्लॉयमेंट का जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया में। अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स देखेंगे जेंडर पैरिटी का, तो ग्लोबल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे आप GDP बोलते हैं 2030 के अंदर, इसमें बोला जा रहा है कि लगभग 1 ट्रिलियन आप समझ सकते हैं 1 ट्रिलियन जो है ये पैंडेमिक, मतलब 1 ट्रिलियन तक ये कम हो सकता है हमारे देश से अगर जो जेंडर रिग्रेसिव इम्पैक्ट ये जो इसे काउंटर ना किया गया। तो मतलब अगर वर्ल्ड के अंदर
जो महिलाओं का जो एक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं ना लेके चला गया, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर चीज़ें, सुविधा मुहैया ना कराई गई, तो लगभग पूरी दुनिया को 1 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। उसके बाद अचीविंग, अगर जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है तो लगभग आपको देखिए कि इस पर कितना फ़ायदा नज़र आएगा, लगभग 13 ट्रिलियन का फ़ायदा नज़र आ सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है ग्लोबल GDP में 2030 तक। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे इन इंडिया, देयर वुड बी 14% इंडिया की GDP में राइज इंक्रीज देखा जा सकता है अगर जेंडर रिग्रेसिव रेशियो को बढ़ा दिया जाए। अगर जेंडर जो मतलब महिलाएं कम काम कर रही हैं, पुरुष ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर बराबर भी काम करने लगे तो आप सोचिए 14% जो GDP बढ़ जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी GDP 2 डिजिट फिगर में जाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिलाओं को लेबर पार्टिसिपेशन जो है उनका बढ़ जाना चाहिए। टेकिंग एक्शन आफ्टर कोविड क्राइसिस रिड्यूसेस द गुड पोटेंशियल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बाय मोर देन 5 ट्रिलियन। तो आप सोचिए को जो कोविड क्राइसिस है, कोविड क्राइसिस जो हमारा जो ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम 5 ट्रिलियन तक बढ़ा सकते थे, वो कहीं ना कहीं मतलब COVID-19 की वजह से हम हैम्पर कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इनफैक्ट इस समय सफ़र कर रहा है। टेकिंग एक्शन ओवर जो पैंडमिक ड्यू टू हेल्प मेक जेंडर गेंस एंड ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ, तो प्रॉपरली सारी चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए जिससे कि COVID-19 से हम फाइट कर सकें। मेजर्स जो लिए जा सकते हैं, सबसे पहले जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ा देना चाहिए, उसके बाद जो अनपेड वर्क है और जो रीबैलेंसिंग है इन बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसे कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखेंगे जो जितना सैलरी अगर आप पुरुष को दे रहे हैं उतनी ही आप महिला को दें, और ये इनफॉर्मल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे महिलाओं को पुरुष के बराबर सैलरी भी नहीं दी जाती, मान लीजिए किसी पुरुष को 500 रुपये दे रहे हैं तो वहीं किसी महिला को 300 रुपये या 350 रुपये देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग जो सपोर्टिंग एम्प्लॉयर और स्टेट फंडेड प्रोविजन फॉर चाइल्ड केयर, बच्चों की मान लीजिए कोई महिला है जो काम कर रही है कहीं पे किसी साइट पे, तो उसका अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए सुविधा होनी चाहिए, क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने बच्चे को वहाँ रख के उसको दूध पिला सके, उसको उसकी थोड़ी सी देखभाल कर सके रेस्ट के टाइम पे। इंटरवेंशंस टू एड्रेस डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल और डिजिटल इंक्लूजन है, डिजिटल ये सारी चीज़ें इनको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि जो भी पेमेंट उन्हें कैश पे देने की बजाय उनका अकाउंट होगा तो उनको ज़्यादा सुविधाएँ दी जा सकती है, डायरेक्ट अकाउंट में उनके पेमेंट करी जा सकती है। एटीट्यूड को चेंज करना होगा वुमेन्स को के रोल के प्रति, सो इंडियन सोसाइटी को मतलब जो महिलाएं काम करने निकलती हैं बाहर, उनको अच्छे से, उनको अच्छी नज़र से प्रॉपरली ट्रीट करने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको अच्छे से वो काम करें, ये सब चीज़ें उनको इंश्योर करना चाहिए कि उनके प्रॉपर फैसिलिटी मिले। गर्ल्स एजुकेशन को सेफगार्ड करना चाहिए, गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो एजुकेटेड हों, उनको एजुकेशन मिले प्रॉपर टाइम से। उसके बाद वॉयलेंस अगेंस्ट, जो डोमेस्टिक वॉयलेंस COVID-19 के टाइम पे अभी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, इनफैक्ट ये हमेशा की प्रॉब्लम रही है लेकिन COVID-19 के टाइम में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ों को जो डोमेस्टिक वॉयलेंस है इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्टिंग मैटरनल हेल्थ, जो जच्चा बच्चा जब प्रेग्नेंट होती है रेडी, तो जच्चा बच्चा की प्रॉपर एक हेल्थ के लिए प्रॉपर एक ध्यान रखा जाए, उसकी फैमिली ध्यान रखे, प्लस गवर्नमेंट भी बहुत सारी सुविधाएं देती है, वो सारी चीज़ें बोली जा रही है। तभी जब आप देखेंगे कि तभी जाके जब महिलाएं 50% अगर कंट्रीब्यूशन करने लगी, जिस दिन 50% मैन और 50% वुमेन काम करने लगी हमारे जो पूरा एक वर्किंग फोर्स है उसके अंदर, तो आपको हमारी GDP जो है 12 से 14% तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो समझ लीजिए कि हमारी GDP को अगर बढ़ाना है तो सबसे मेजर चीज़ है कि हमें महिलाओं को वर्कफोर्स में डालना होगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है साउथ एशिया पॉलिसी के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोविड-19 ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इंडिया को कि साउथ एशिया के अंदर वो एज अ लीडर उतरे और जो दूसरे देश हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करे, उनको प्रॉपरली इंटीग्रेट करके चल सके, अपने नेबरहुड को अच्छे से लेवरेज करे, अपने अच्छे से मैनेज करके चल सके। इंडिया की अगर आप देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो रही है, इसमें एस्टिमेट किया गया कि 42 मिलियन जो लोग हैं साउथ एशिया के अंदर, लगभग 100 मिलियन जो वर्ल्ड वाइड लोग रह रहे हैं, ड्रिवन बैक टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ गए हैं 42 मिलियन सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया से। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा एक स्थिति ख़राब है। पॉवर्टी की अगर बात करें तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पहले बात की जाती है नो पॉवर्टी फॉर जीरो हंगर। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रखा गया है नो पॉवर्टी को, और यही पॉवर्टी साउथ एशिया के लिए एक तरीके का सेटबैक है। अगर आप देखेंगे बींग लार्जेस्ट इकॉनमी, अगर साउथ एशिया में हम देखेंगे तो बींग लार्जेस्ट इकॉनमी, इंडिया कैन पुश फॉर
ग्रेटर पार्टनरशिप विद इट्स नेबर। इंडिया को चाहिए कि वो अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखे, अच्छे से चीज़ों को लेके चले। ग्लोबल स्लोडाउन जो आया है वो बोला जा रहा है कि साउथ एशिया का वो काफ़ी ज़्यादा साउथ एशिया को हिट करेगा और जो मेजर एक्सपोर्ट है जिससे अर्निंग होती है उसको अफेक्ट करेगा। क्यों? तो आने वाले टाइम में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं साउथ एशिया के अंदर जो एक कम होता हुआ नज़र आया, क्योंकि पूरी सप्लाई जो ग्लोबल सप्लाई चेन से वो टूट चुकी हैं, जो इंटरडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है। 22% तक डिक्लाइन देखे गए रेमिटेंसेस के अंदर, जो साउथ एशिया के जो लोग हैं अलग अलग देशों में जाके रहते हैं, यूएई में सबसे ज़्यादा, फिर आप देखेंगे दुबई में, फिर आप देखेंगे अमेरिका में, ये सारे देशों में जो लोग रहते हैं जाके अलग अलग काम करते हैं सब, जो उसके बाद घर पे पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस के तौर पर, उस पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है और लगभग 22% की कमी देखी गई है। इंडिया से अगर आप देखेंगे तो इंडिया से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है आता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ आता है तो वो है केरला में। चाइना जो है वो यूज़ कर रहा है COVID-19 डिप्लोमेसी को सेवरल स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के तहत, और साउथ एशिया जो है उसको चाहिए कि वो इस चीज़ को कायदे से काउंटर करे, क्योंकि इंडिया ही जो चाइना है चाइना के खिलाफ एक प्रॉपर काउंटर स्टेप दे सकता है। अगर आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के मैप को तो ये है बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनोई, उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे जो देश हैं इस ये बारे में आइडिया आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप साउथ एशिया देखेंगे तो साउथ एशिया बेसिकली ये पूरा जो रीजन है ये आपको साउथ एशिया का रीजन देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, तो ये सारे इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे और बात की जा रही है COVID-19 डिप्लोमेसी के बारे में, इंडिया कर सकता है प्रॉपरली जो रीजनल ट्रेड है, कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथन कर सकता है, मजबूत कर सकता है, साउथ एशिया एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इसको कहीं ना कहीं रिवाइव कर सकता है, इससे जो इंट्रा रीजनल फूड ट्रेड है और जो रीजनल सप्लाई चेन है उनको कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा सकता है, जिससे कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इससे आप देखेंगे दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स दैट कुड अपलिफ्ट आत्मनिर्भर भारत, जो लॉन्च किया गया है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उसके आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सारी चीज़ों में बेनिफिट किया जा सकता है। आप देखेंगे दिस कुड इंक्लूड ऑफर्स टू ऑफ फ्री ट्रांजिट ट्रेड थ्रू द रीजन, द डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई लॉजिस्टिक चेन्स, डिजिटल डेटा इंटरचेंज, उसके बाद आप देखेंगे सिंगल विंडो, डिजिटाइज्ड क्लियरेंस सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करी जा सकती हैं। इंडिया जो है इंडिया कुड लीड इन सेक्टर्स ऑफ हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में, इंडिया काफ़ी अच्छे से निकल के आ सकता है, अच्छे से प्रॉपर काम कर सकता है, क्योंकि हमारी फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी जो मजबूत है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है, जो हॉस्पिटल्स की कमी देखी जाती है, वो सब थोड़ा सा एक है फ्लॉ, लेकिन ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से अगर उसमें पैसा डाला जाएगा तो वो अच्छे से निकल के आएगा। फूड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड को हम एड्रेस कर सकते हैं फूड, अपने जो फूड क्रंच है उससे, क्योंकि हमारे देश में जो गेहूं, चावल, दाल, ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिससे कि हम कभी भी कोई दूसरी क्राइसिस आ जाती है वर्ल्ड के अंदर तो वहाँ पर हम ये सब चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं प्रॉपरली। फिर इंडिया को चाहिए कि वो सार्क जो है सार्क मेंबर्स को प्रॉपरली से लीड करके चले, उसके बाद जो साउथ एशियन फूड सेफ्टी है उसको इंश्योर करे, जिससे कि जो सार्क फूड बैंक जैसी चीज़ बनाई जा सके, और वर्ल्ड के अंदर जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनको अगर कभी भी फूड की कोई क्राइसिस आए तो इंडिया तुरंत वो सारी चीज़ें एड्रेस कर सके। इंडिया प्रोवाइड कर सकता है इकोलॉजिकल ब्लू प्रिंट साउथ एशिया के लिए, जिससे कि जो कि फोकस करेगा प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी डीलिंग विथ क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया को चाहिए कि वो इंक्रीज़ करे अपनी कन्वीनिंग कैपेसिटी ऑफ इनिशिएटिव्स सच एज बे ऑफ बंगाल, ब्रिक्स जिसे आप बोल सकते हैं ब्रिक्स नेशन इनिशिएटिव, और मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिमस्टेक जिसे आप बोलते हैं, इनको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की बात की जा रही है। सारी बात है कि साउथ एशिया के अंदर हम अपने नेबर कंट्रीज़ को कैसे साथ लेकर चलें, जिससे कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो इस समय गड्ढे में जा रही है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और हम अपने नेबर्स के साथ मिलकर एक इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। फिर यहाँ पे बात की जा रही है मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में, जो पीरियड्स हैं उसके टाइम पे जो महिलाएं उनको छुट्टी देने की बात की जा रही है। अभी आप देखेंगे इनको जिस टाइम उनको पीरियड आएगा उस टाइम छुट्टी देने की बात की जा रही है, पेड या अनपेड, अगर ये देखें कि क्या ज़रूरत है उनको, तो ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेज आते हैं जो महिलाओं की लाइफ में, उसी के लिए बोला जा रहा है कि वर्क प्लेस को अकोमोडेट करना चाहिए, कि जैसे कि मान लो किसी को भी पीरियड आ जाता है किसी महिला को, तो उसको कैसे छुट्टी दे दी जाए वो घर पे, जिससे कि रेस्ट कर सके और अपना जो हेल्थ है उसका ध्यान रख सके। इसके बाद आप देखेंगे ये सारे जो सिम्टम्स हैं इससे कहीं ना कहीं एक सीवियरिटी ऑफ जो वुमेन सफरिंग क्रॉनिक कंडीशंस लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और जो
एंडोमेट्रियोसिस जो है, इन सारी जो बीमारियां हैं, इस सब चीज़ से कहीं ना कहीं एक जो उन्हें प्रॉब्लम होती है, जो उनको जब ये होता है टाइम बहुत ज़्यादा, इनको लाइक उनके जो प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, बहुत सारी दूसरी चिड़चिड़ापन ये सब जो होता है, उससे कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर पाएंगी, मूड स्विंग्स जो होते हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद इट इज़ अ वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग कन्वर्सेशन अराउंड मेंस्ट्रुएशन। तो और दूसरी चीज़ ये जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं के, उनको कहीं ना कहीं जो एक टैबू के तौर पर देखा जाता है, जैसे सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर महिला को ही आते हैं, सभी को आते हैं, कोई ये ऐसी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पर सोसाइटी बात भी कर पाएगी सही से। अभी आप देखेंगे इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट, हु विल बी बेनिफिटेड द मोस्ट, आप देखेंगे जो महिलाएं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो जॉब कर रही हैं, उनको अगर पेड लीव दी जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उनको जब वो काम करते हैं तब तो पैसा मिलता नहीं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा क्यों दिया जाएगा। वहीं जो आप फॉर्मल सेक्टर देखेंगे वहाँ पे तो फ़ायदा इसका नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस होते हैं कि आपको छुट्टी देनी है, जीडी गाइडलाइंस आ गई तो उसके हिसाब से आपको देनी ही देनी पड़ेगी। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो ये चीज़ें बिलीव नहीं करेगा, वो बिलीव भी करेगा तो फिर महिलाओं को जो लेबर फोर्स है उसको उसके अंदर पार्टिसिपेशन जो उनका वैसे ही इतना ज़्यादा कम है और कम होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए आप देखेंगे ऐसे एफर्ट्स जो इम्प्रूव करेंगे वर्किंग कंडीशंस ऑफ वुमेन इन फॉर्मल वर्कफोर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताई, हायरिंग वुमेन जो है वो जो पेड पीरियड लीव की वजह से जो हायरिंग वुमेन को कम हायर किया जाएगा, उसके बाद पीरियड लीव जो होगी इससे जो बायसेस है, टैबू जो अराउंड मेंस्ट्रुएशन है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आएगी। कुछ सिमिलर जो मेजर्स लिए जा सकते हैं वो है कि जो एक टीम लीज सर्विसेज के हिसाब से बोला गया 1.1 टू 1.8 मिलियन वुमेन जो है उन्होंने अपनी जॉब लॉस कर दी 2018-19 के अंदर और अक्रॉस 10 मेजर सेक्टर्स, क्योंकि वो उनको फ़ायदा पहुंचाए जाने की बात की जा रही थी मैटरनिटी बेनिफिट 2016 के हिसाब से। तो आप समझ लीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों के लिए सेंसिटिव रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई महिला जॉब करने आए, वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर हमें उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी उसको पैसा देना पड़े, मतलब बिना काम के उसको पैसा देना पड़े। प्राइवेट सेक्टर्स हमेशा यही सोचते हैं कि किसी भी तरीके से उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, जो काम करे सिर्फ उसको ही पैसा देने की वो जो वकालत करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पेड पीरियड लीव जो है इसको ये जो है सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर सकती है। पीरियड लीव जो है ये कैन नॉट कीप वुमेन आउट ऑफ जॉब्स, पीरियड लीव जो है इससे जो वुमेन है उसको जॉब से बाहर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से जो हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको समझा जाएगा कि इनको तो हर हफ्ते हर महीने में एक बार 4 से 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसका कुछ सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन माइट बी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेड सिक लीव्स बाय लॉ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अगर पुरुष और महिलाओं दोनों को ये पेड लीव्स दी जाएँ, पेड सिक लीव्स, तो फिर फ़ायदा नज़र आएगा। ऑल दो इट इंक्रीजेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इट ट्रीट्स मैन एंड वुमेन एट पार। सिमिलरली अ पेड पैटर्निटी लीव में ऑल्सो भी कंसिडर्ड, वुमेन शुड बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम। वुमेन को उस समय ये एक अच्छा सोल्यूशन निकाल के दिया है कि उनको जब उनका पीरियड हो उस समय वो काम घर से कर सकें, और वो जो उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग करने में, ट्रैवल करने में, तो वो ट्रैवलिंग से उन्हें छूट दी जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पेड पैटर्निटी और जो पुरुषों को भी बराबर से छुट्टी मिले जब वो मतलब पिता बने, तब उनको भी बराबर से छुट्टी दी जाए, जिससे कि एक मैन और वुमेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं ना देखने को मिले और सोसाइटी में एक हारमोनियल बैलेंस बना रहे। तो ये था दोस्तों आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया मेरा लेक्चर तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आय सूत्रा से ये सारी PDF स्लाइड्स की फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन गाइस। थैंक यू। जय हिंद।